फ्रेंड्स, इस बिजनेस आइडिया को देखने के बाद में आपको कभी भी भविष्य के अंदर कोई दूसरा बिजनेस आइडिया देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जाकर के। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसे आप तो करेंगे ही करेंगे, आपके जाने के बाद में आपके फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड दोस्तों, ये एक इतना ज़बरदस्त और इतना शानदार बिजनेस आइडिया है जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, एक इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमें किसी मशीन को खरीदने के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आप इस प्रोडक्ट को बिना किसी मशीन के अपने हाथों से अपने घर पर बना सकते हैं। तो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए हो सकता है। एंड इसके साथ में दोस्तों, मैं बात करूं इसकी मार्केटिंग की, तो दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है ना किसी भी बिजनेस के अंदर, आप ले लीजिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक हर एक इंसान नहीं कर सकता है, बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं लेकिन मार्केटिंग उन लोगों से नहीं हो पाती है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक ऐसा सॉलिड तरीका भी बताऊंगा कि आप लोगों को बिजनेस की ABCD भी नहीं आती तो भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। और दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो साल के 365 दिन चलता है और हर एक इंसान इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है। एंड इसी के साथ में मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप बाहर जाकर इसका बिजनेस शुरू कीजिए, आप अपने ही लोकल एरिया के अंदर है ना, आप इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में आप इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके फैला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस प्रोडक्ट को अपने घर पर कैसे बनाया जाता है, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट गाइडेंस करूँगा कि कितना प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पे हो सकता है एंड आप इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और कहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस दमदार प्रोडक्ट को आप अपने घर पर इतनी आसानी से कैसे बना सकते हैं और अपने घर बैठे मोटी कमाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है, बाउल के अंदर आपको पानी डालना है, पानी को उबालना है, जब तक कि पूरी तरह से उबल नहीं जाता है तब तक आपको पानी को गर्म करते रहना है। इसके बाद में जब आपका पानी गर्म हो जाता है तो आपको उसके अंदर कोको बटर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। कोको बटर इस तरीके का दिखता है, आप लोग नोटिस कर लीजिए या किसी भी पेन कॉपी की सहायता से आप इसे लिख लीजिए। जब आप कोको बटर इसके अंदर मिला देते हैं तो ये पूरी तरह से पिघल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बाउल के अंदर किस तरीके से कोको बटर पूरी तरह से ये मेल्ट हो चुका है। ये आपको पूरे को मेल्ट करना है, ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर थोड़ा बहुत भी इसे छोड़ देंगे, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे पूरी तरह से मेल्ट कर दीजिए। आप देख सकते हैं अब आपको इसके अंदर क्या डालना है, कोको पाउडर डालना है। कोको पाउडर को भी आपको इसके अंदर मेल्ट करना है, इसको हिला देना है, हिलाने से क्या होगा कि ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसके अंदर मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत पड़ेगी, मिल्क पाउडर नहीं बनाना आता तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी चीनी आप लोगों को डालने की ज़रूरत है, अब थोड़ा सा आपको इसके अंदर नमक डालने की ज़रूरत है। तो अभी हम और भी चीज़ डालेंगे इसके अंदर, जैसे कि वनीला एसेंस हो गया, वनीला एसेंस भी आप मार्केट से खरीद सकते हैं या इसे भी आप अपने घर पर बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप किसी भी इक्विपमेंट की सहायता से आप इसे पूरी तरह से मेल्ट कर लें। देखिए कितना प्यारा अभी हमारा लुक होने वाला है। अभी आप वीडियो को देखते जाइए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। इस तरीके से आपको पूरी तरह से इसे मेल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, इतना ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है ना ये, यार मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूँ कि आपका प्रोडक्ट है ना चलते चलते बिक जाएगा यार। आपको कुछ भी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस इस प्रोडक्ट को बनाना सीख लीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सारी चीज़ें होगी, गैस को आप बंद कर सकते हैं, बंद करने के बाद में आपको ये मोड आपको खरीदने होंगे, ये मार्केट से आप इसे खरीद सकते हैं, आपके लोकल मार्केट के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाती है तो वहाँ से ये खरीद सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ते दामों पे। अब आपको इसके अंदर ये जो भी आपने बनाया है, चॉकलेट बनाया है, ये इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद में जब ये फ्रिज के अंदर हम इसे रखते हैं थोड़े टाइम के लिए तो ये पूरी तरह से बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद में अब आपको इसे इस मोल्ड के अंदर से निकालेंगे तो देखिए कितना प्यारा लुक लगेगा यार। मतलब कि जो एक नेचुरल चॉकलेट होती है ना, डेरी मिल्क होती है, उससे भी कई गुना बेटर यार इसका टेस्ट है और उससे कई गुना बेटर इसकी क्वालिटी है। ये देखने में भी ऐसा लग रहा है कि ये डेरी मिल्क तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, उससे तो बहुत पीछे ये चीज़ छोड़ सकती है।
और फ्रेंड्स अभी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम दूसरा तरीका और आप लोगों को बता रहे हैं कि वाइट चॉकलेट कैसे बना सकते हैं। उसके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ सेम हो सकता है, लेकिन सब कुछ सेम नहीं होगा। उस पानी को उबालना है, उबालने के बाद में आपको जैसे पानी के ऊपर कोई भी एक बाउल रख सकते हैं, बाउल के अंदर आपको कोको बटर रखना है। अब कोको बटर को उसी तरीके से आपको इसे पूरी तरह से मेल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे आसानी से मेल्ट कर सकते हैं। दोस्तों दो तरीके हैं इसे करने के, एक तो पहला आपने देख लिया है, अब ये दूसरा जो कलर है हमारा वाइट कलर, ये कैसा दिखेगा, इसका भी प्रीमियम लुक आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इतना प्यारा लुक देखिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा कि यार सच में किसी बंदे ने ना हमें कोई ऐसा बिजनेस आइडिया बताया जिसे हम सच में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अभी देखिए हमने इसके अंदर शुगर डाल दिए है, अभी हमें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और भी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। मिल्क पाउडर आपको डालने की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए काफ़ी मैंने साल्ट भी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने पहले भी एक मिल्क पाउडर का वीडियो बनाया था यार, मतलब इतने सारे व्यूज़ उसके ऊपर आए थे, मैंने बताया था कि मिल्क पाउडर है ना बहुत तगड़ा बिजनेस है यार, इसे कर लीजिए। लेकिन काफ़ी लोगों ने वहाँ पे गलत कमेंट भी किया था, तो मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेट होना पड़ा था। लेकिन सच में यार वो बिज़नेस भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त था। तकरीबन 7 से 8 लोगों ने मेरे एक महीने के अंदर, इतने लोगों ने मेरे वीडियो को देखा था, बहुत लोगों ने वहाँ पे उस वीडियो को पसंद किया था। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक ऐसी भी चीज़ लेकर के आए हम जिसे वो सारी चीज़ों की भी इसके अंदर ज़रूरत पड़े और लोगों को यकीन भी हो कि यार सच में मज़े वाला काम आप लोग कर रहे हैं, इतना अच्छा बिज़नेस आइडिया आप हमें बता रहे हैं। तो सेम प्रोसीजर आपको मोल्ड लेना है, मोल्ड लेने के बाद में आपको सिंपली इसे इसके अंदर डाल करके आप इसे फ्रीज के अंदर आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए किस तरीके से आप इसे तैयार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर देख लीजिए। अब फ्रीज के अंदर आप इसे रख दीजिए, फ्रीज के अंदर जब आधा घंटे आप रखेंगे ना फ्रीजर के अंदर, तो उसके बाद में जब आप निकालेंगे तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। और इसे हिला करके आप लोग देखिए अभी कितना प्यारा लुक लग रहा है यार, मन करता है कि अभी इसे मैं खा जाऊँ यार, इतना ज़बरदस्त है यार ये प्रोडक्ट कि आप सोच नहीं सकते हो यार। आप इसे देखिए कितने कितना प्रीमियम लुक लग रहा है, डेरी मिल्क भी फेल है इसके सामने, ये तो हमने हाथ से बनाया भाई, हमने कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें इस प्रोडक्ट को बनाने में। देखिए कितने प्रीमियम लुक लग रहे हैं दोनों चॉकलेट के हमारे, बताओ कैसे नहीं बिकेगा हमारा चॉकलेट, वह मार्केटिंग बहुत तेज़ी से बिकेगा, सभी जो भी है बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स सबको फेल कर सकते हैं हम लोग यार इस बिज़नेस को करके। मैंने देखा कि चॉकलेट को आप अपने घर पर कैसे बना सकते हैं। अब सभी लोग जानते हैं कि चॉकलेट हर एक इंसान की फेवरेट चीज़ होती है, हर एक इंसान चॉकलेट को ख़रीदना पसंद करता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में पैसे नहीं होते, उनके पास 10 रुपये नहीं होते, तो वो लोग ना चॉकलेट को नहीं ख़रीद पाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे तरीके बताऊँगा जिन तरीक़ों से आप लोग है ना अपने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग इतनी बेस्ट कर सकते हैं यार कि मतलब चलते चलते ही ना आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। मैं ऐसा ही आपको तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले चीज़ तो हमारी ये होगी कि हमने इसको बनाना सीख लिया कि कैसे कौन कौन से चीज़ों की इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारे इक्विपमेंट्स आप खुद से तैयार कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मार्केट से सारी चीज़ें खरीदिए, जैसे कि मिल्क पाउडर इसके अंदर यूज़ होता है आप उसे अपने घर पर बना सकते हैं, मार्केट से क्यों खरीदें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसे इसके अंदर जो चॉकलेट बनाने के अंदर जो भी चीज़ें डली हुई है, अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने घर पर ही तैयार करेंगे तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती आएगी। अगर आप मार्केट से खरीदेंगे, देखिए दो जो चीज़ आप 200 रुपये में बना रहे हैं वही चीज़ आपको मार्केट में 500 रुपये की मिल रही है, तो वहाँ पे जो आपका प्रॉफिट रेशियो होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन आप इन सभी चीज़ों को अपने घर पर ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आपको पता तो चल ही गया है, और अगर आपको किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मिल्क पाउडर की हर जगह पर ज़रूरत पड़ती है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है और काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्या करना है कि ये सारी चीज़ों को बनाने के बाद में हम अपने घर पर चॉकलेट बना सकते हैं। चॉकलेट बनाने के बाद में हमें इसकी पैकेजिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों पैकेजिंग हम कैसे कैसे करेंगे, 5 रुपये वाली पैकेजिंग करेंगे, 10 वाली करेंगे, 20 वाली करेंगे, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने देखा कि डेयरी मिल्क, ऐसे ही आप लोगों को कोई अपना खुद का एक नाम रखना होगा और सेम टाइप की पैकेजिंग आपको प्रिंट करवानी होगी। प्रिंट अपने लोकल एरिया से ही आप किसी भी जो प्रिंटर वाला होता है जो ये सारी चीज़ें प्रिंट करता है उनसे अभी प्रिंट करवा सकते हैं। तो वहाँ पर आप यहाँ पे 2 रुपये का पीसेस, 5 रुपये का पीसेस, 10 रुपये का पीसेस, 20 रुपये का, 50 रुपये का, इस तरीके से है ना आप लोग इसकी पैकेजिंग करवाएंगे, जिससे क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा होता है ना वो भी आपसे खरीद सके। अब बात करूँ कि मार्केटिंग में आपका नया प्रोडक्ट है, ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपसे कोई इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा।
देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, आपको एक रुपये वाली पैकेजिंग भी यहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, अब मार्केट के अंदर नए बंदे हैं और हमें मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट को सेल करवाना है, तो वहाँ पर जैसे कि आपने एक 10 रुपये का एक पीस तैयार कर दिया, उसकी पैकेजिंग कर दी, सारी चीज़ें कर दी, ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप उसके साथ में एक रुपये वाला जो पीसेज होता है उसकी भी पैकेजिंग करके फ्री दे सकते हैं। मतलब कि एक चॉकलेट 10 रुपये वाली चॉकलेट के साथ में आप 1 रुपये वाली चॉकलेट भी उसको फ्री में दे सकते हैं। इस वजह से है ना, कोई भी इंसान आपके प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से खरीद लेगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरी लाइफ टाइम आप ये चीज़ कीजिए, आपका जब प्रोडक्ट मार्केट के अंदर रन करने लग जाता है तो वहाँ पर आप सिंगल पीस दे सकते हैं, उसके साथ में फ्री मत दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई बंदा आपसे 50 रुपये वाली चॉकलेट मांग रहा है तो वहाँ पे आप 10 रुपये वाली चॉकलेट उनको फ्री कर दीजिए। ये जो यूनिक तरीका है ना दोस्तों, यही मार्केट के अंदर चलता है और यही तरीका आप लोगों को बहुत आगे बढ़ा सकता है। तो ये तो होगी हमारी कि किस तरीके से हम इसे मार्केट में सेल करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। अब बात ये करें कि मार्केट में आप इसे कैसे बेच सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए आप एक बंदे को हायर कर सकते हैं। एक बंदे को अगर आप हायर भी करेंगे तो एक महीने बाद आप उसे सैलरी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोगों के पास में अगर बजट भी नहीं है तो भी आप एक बंदे को हायर करके उससे मार्केटिंग करवा सकते हैं। वो बंदा आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने जाएगा। बिकेगा कहाँ पर, जितने भी आप सभी लोग जानते हैं कि यार चॉकलेट कहाँ पर मिलती है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं होती। हर जगह पर आपको शॉप मिल जाएगी, यार परचून की शॉप हो गई, टॉफीज वगैरह की शॉप हो गई, हर जगह पर मिलती है। तो इन सभी जगहों के ऊपर आप लोग है ना इसे सेल कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपसे कोई दुकानदार क्यों खरीदेगा, आपने एक प्लस पॉइंट तो कस्टमर वाला बताया हमने कि कस्टमर आपसे क्यों खरीदेगा। अब बात ये करते हैं दुकानदार आपसे क्यों खरीदेगा। दुकानदार आपसे इस वजह से खरीदेगा कि जैसे कि आप उससे पूछेंगे कि जो डेयरी मिल्क आप कई मार्केट से खरीदते हैं और उसे मार्केट में जब सेल करते हैं तो जितने की आप लोगों को पड़ रही है उससे मैं 1 रुपये में आपको कम में दे दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो बंदा आपसे खरीदेगा। तो इस तरीके से आप दुकानदार को भी संतुष्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको कमीशन ज़्यादा मिलेगा। तो कोई भी बंदा उसके पास में ये एक चॉकलेट लेने के लिए आएगा तो वो आप वाली चॉकलेट को प्रीफर करेगा, उसको बताएगा, एक्सप्लेन करेगा कि आप ये ले जाइए, इसके साथ में एक और पीस फ्री आ रहा है और इसका जो टेस्ट है इससे काफ़ी ज़्यादा गुना अच्छा होता है। तो ये हमारा तरीका होगा कि दुकानदार को पटाने वाला और एक कस्टमर को पटाने वाला। तो ये चीज़ें हमें इस बिज़नेस के अंदर करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ही आप इस बिज़नेस के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब बात करें कि मार्केटिंग का भी हमारा हो गया कि बंदे को हायर कर सकते हैं, वो बंदा इन सभी जगह पर जा करके उनको एक्सप्लेन करके आपके प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। कैसे बनता है, उसकी पैकेजिंग करनी है, कितना, ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो गई। अगर आपने 100 दुकानों को भी टारगेट कर लिया ना तो आप इस बिज़नेस से स्टार्टिंग टाइम की बता रहा हूँ, मैंने अपने थंबनेल में देखा होगा 20,000 आप कमा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में अगर आपने 100 दुकानों को भी कवर कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपका जो प्रॉफिट रेशियो होता है वो 8,000 से 10,000 रुपये दिन का हो सकता है। इस तरीके से आप धीरे धीरे और भी दुकानों को कवर कर सकते हैं। जब आपके पास में प्रॉफिट आने लग जाता है तो आप 2-4 बंदे भी मार्केटिंग के लिए रख सकते हैं। उसके बाद में आप इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी करा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें आप लोगों को करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपका बिज़नेस कभी भी फ्लॉप नहीं होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये हर एक इंसान की ज़रूरत टाइप में होता है कि हर एक इंसान इसे खाना पसंद करता है। तो ये है दोस्तों कि इस तरीके से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही जल्द आगे बढ़ सकते हैं।